इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। उनको दूसरों को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। माप नहीं करते घर को, परिवार को, घर वालों को, बेटों को और बेटों के, आप ही लोग बोलते हो, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। सबको तो मैनेज करने की शक्ति है सिवाय अपने आप को। दुनिया को मैनेज कर लेना बहुत बहुत आसान है, पर अपने भावों को, अपने विवेक को और अपने जीवन को मैनेज कर लेना बहुत कठिन है। मैनेज करने का मतलब प्रत्येक कार्य उठा के मुझे नहीं करना है। व्यक्ति यही समझता है मैनेज करना है मुझे, जीवन को अच्छा करना है तो हर काम मैं करूं। नहीं, मैनेजमेंट का अर्थ ही होता है गेटिंग वर्क्स डन थ्रू अदर। दूसरों के द्वारा कुछ काम करवाना, कुछ मैं करूं, कुछ आप करो, कुछ मैं चलूं, कुछ आप चलो, तभी किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं, तभी किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। व्यक्ति घर, परिवार, समाज, देश, मंदिर, क्षेत्र सबकी ऐसा बोझ लेकर जीता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे करना है पर बोझ लेकर नहीं, बोझ लेकर नहीं, उसे रोज मानकर जीवन को जीना है। ऐसा ही होता है माँ, काम तो करते हो पर कल भी कहा था ना, भुन 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 भुनाते हुए, कोई गुनगुनाते हुए, पर गुनगुनाते हुए कभी आज तक कोई कार्य नहीं किया। भुनभुनाने से नहीं होगा, ना कुनकुनाने से होगा, काम तुम्हारे भीतर के विवेक और तुम्हारे गुनगुनाने से होगा। थोड़ा सा मैनेज करने की आवश्यकता है, बहुत नहीं, वो तो काम होगा समय पर, अपने पुण्य पे काम कार्य का निर्धारित फल मिलेगा, पर पुरुषार्थ को और अपने आप को, अपने विवेक को मैनेज करने के लिए हमें आज से ही पुरुषार्थ करना होगा। कौन सा मैनेजर? जैसे दुकान में, व्यापार में मैनेजर रखे हैं, मुनीम जी रखे हैं, ऐसे कोई मुनीम जी को रखने से राकेश जी मेरा जीवन मैनेज हो जाएगा? नहीं, वो तो कागजों को, हिसाब किताबों को मैनेज कर सकता है, पर अपने जीवन के पन्नों को और अपने जीवन के हिसाब किताब को, भावों के हिसाब किताब को मुझे स्वयं ही मैनेज करना होगा। कैसे करें मैनेज? कोई मैनेजमेंट का कोर्स भूल जाओ, उन सर्टिफिकेट के कोर्सों से तो कॉलेज भी और जीवन क्या, जहाँ पढ़ा जाता है, जहाँ से डिग्री ली है, उस डिग्रियों का भी आज कितना मोल। आज तो घर बैठे ही डिग्रियाँ, ऐसे भी जीव है, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, नमी कॉलेज का मुँह नहीं देखा, पर सर्टिफिकेट इतना बड़ा टंगा है घर में। क्यों? क्योंकि आज की मैनेजमेंट ही ऐसी है, चाहे शिक्षा पद्धति की हो, चाहे घर गृहस्थी की हो, चाहे कहीं की भी हो, सभी जगह मात्र थोड़ा सा दो, समझ रहे ना, टेबल के नीचे से दे दो, तुम्हारा टेबल के ऊपर का काम हो जाएगा। ये जीवन इतना आसान नहीं है जितना आसान डिग्री को प्राप्त कर लेना, जितना आसान धन दौलत कमा लेना, इतना आसान अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करना नहीं है। ये तो कई वर्षों से हम ये करते आए हैं, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से, बाहर से, इधर से, उधर से, सब कुछ तो हमने करना सीख लिया है, पर इसके भीतर से करना आज तक नहीं सीखा। दुनिया को नहीं, हमें अपने स्वयं के जीवन को मैनेज करना था, मुझे अपने भावों को मैनेज करना था, मुझे अपनी क्रियाओं को मैनेज करना था। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति धर्म के प्रति बढ़ता है तो मात्र उसे धर्म धर्म ही दिखता है, फिर घर गृहस्थी हो गई चौपट। कोई इतना घर गृहस्थी में उलझ जाता है कि फिर धर्म हो गया चौपट। हमें बैलेंस करके चलना है, हमें यही मैनेजमेंट सीखनी है कि हमें कितना समय कहाँ देना है और कितने समय में हमें घर का, दुकान का, व्यापार का
और धर्म का कार्य करना है। क्योंकि आनंद जीवन में नीरज भाई तभी आएगा जब बैलेंस डाइट होती है, भोजन। जीवन भी बैलेंस होगा तो ही आनंद आएगा, भोजन भी बैलेंस है तो ही आनंद आता है। मीठा 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 ही खाते रहोगे तो फिर डॉक्टर के पास जाके डायबिटीज़ की गोली और इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और मीठा खाओगे नहीं तो भी कमज़ोरी से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। माँ भोजन बनाते हैं ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं, पर अच्छा भोजन मात्र बनाने से काम नहीं होता, भोजन परोसने का भी तरीका होता है, भोजन खाने का भी तरीका होता है। वह भोजन बनाने के लिए जैसे मैनेजमेंट है, ऐसे भोजन परोसने की भी एक कला, एक विद्या हुआ करती है। कहीं भी कुछ परोसने से उसका स्वाद नहीं आता। वही सामग्री माँ कई बार आप करते हैं ना, कह दूँ, सुबह की ही सामग्री, सुबह कई चावल, सुबह की दाल सब्जी बढ़िया फ्राई किए, और मिक्स वेज और मिक्स क्या पुलाव क्या क्या बना देते, पर अंतर इतना है, जो वही सामग्री थी सुंदर उसको बना लिया और बढ़िया उस पर टॉपिंग्स कर दो, कहीं ड्राई फ्रूट्स की, कभी किसी की, बस नई सामग्री बन गई। मात्र हमें भी अपने जीवन के साथ यही करना है, जीवन की सामग्री, धर्म की सामग्री नहीं बदलनी है, सामग्री वही रहेगी जो अनादि से मेरे साथ है, पर उस सामग्री के साथ हमें विवेक का, भावों का और क्रियाओं का टॉपिंग्स बदलना है। जैसे ही टॉपिंग्स बदलेगा, ऊपर की दिखावट बदलेगी, हमारा भोजन करने का आनंद बदलता है, ऐसे जीवन जीने का भी तरीका बदलने से आनंद अवश्य मिलेगा। पर तरीका कैसे सीखेंगे? मैं तरीका भोजन बनाने का रेसिपी के बुक से भोजन बनाते हैं? कभी नहीं बन सकता। जो रेसिपी की बुक लेकर भोजन बनाने लग जाए ना माँ, तो कभी भोजन नहीं बन सकता। इधर पन्ना पलटने के चक्कर में बघार तब तक जल गया। ऐसा ही हुआ गोदा जी आपके साथ, ऐसा ही हुआ। हम पन्नों में इतने उलझ गए, ग्रंथों के पन्नों में, पता नहीं किस किस के पन्नों में, हम उन पन्नों को पलटते पलटते तत्वों का निर्णय जल गया। भोजन की बात नहीं है, बात जीवन की है। बात जीवन की नहीं है, जीवना और जीवन, अक्षर वही है, शब्द वही है, थोड़ा सा अंतर है। जैसा भोजन बनाने परसने में अंतर होने से उसके खाने में स्वाद आता है, आनंद आता है, ऐसे ही तुमने अगर जीवन जीने का तरीका मैनेज कर लिया ना, धर्म करने का तरीका मैनेज कर लिया ना, तो विश्वास मानना वही भगवान, वही गुरु, वही द्रव्य भी तुम्हें विशेष विशेष आनंद देगी और विशेष विशेष कर्मों के निर्जला करने के लिए निमित्त बनेगी। हमें दूसरों को मैनेज नहीं करना, ना मंदिर को मैनेज करना है, ना मंदिर की किसी वस्तु को मैनेज करना है। अगर मैनेज करना है तो हमें अपने तरीके को मैनेज करना है, चाहे धर्म का तरीका हो, जीवन का तरीका हो, चाहे व्यापार का तरीका हो, तरीका बदल लो। विश्वास मानना, तरीका बदलते ही जीवन का और उस कार्य का आनंद बदलेगा। बदलता है कि नहीं? बदलता है, बदलता है। वही वही रूटीन जीवन जीने वाला वीकेंड आता है तो वीकेंड्स में कुछ नया भोजन, नई पार्टी, नया स्थान खोजता है। ऐसे कभी जीवन के वीकेंड के बारे में बूढ़ों वृद्धों विचार किया, दादा ये वीकेंड्स चल रहे हैं, कब छुट्टी हो जाए? कोई भरोसा नहीं। इसलिए सोचो समझो, ये जितना भी समय मिला है उस समय को, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने जीवन को मैनेज करो। और मात्र आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई आपके जीवन को, आपके धर्म को मैनेज नहीं कर सकता। किसी एक के पीछे दौड़ोगे तो कभी तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता, ना धर्म, ना व्यापार,
प्रत्येक के पीछे हमें ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि मुझे कब, कहाँ, कितने, कैसे, क्या करना है। माँ, विवेक है क्या? बोलो ना, बोलो ना। कि हाँ है, भोजन बनाने में, भोजन बनाने में तो कितना विवेक है, इतना इतना विवेक है कि कितना घी, कितना तेल गर्म होने पर क्या सामग्री डालना कागज पे पढ़ना नहीं पड़ा, ये आपने करते 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 अपने भीतर ऐसा विवेक जागृत कर लिया। इधर कभी कभी ऐसा होता है फोन भी चल रहा है और इधर चलता है कि नहीं, कितना बैलेंस व्यक्ति बनाता है, कितना बैलेंस वहां पे बनाता है कि कब कितना डालना है, क्या बनाने पर क्या डालने से कैसे स्वाद आता है कि नहीं। उस भोजन बनाने में तो हम विवेक प्राप्त कर रहे हैं, भोजन करने में भी विवेक प्राप्त है, क्यों नहीं है भोजन करने में विवेक? एक ग्रास सब्जी के बाद थोड़ी सी चटनी, कभी पापड़, मुंह में पानी मत लाना, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करते, ऐसे ही करते। खिचड़ी खानी है तो सुनील जी कहते हैं मालवा है महाराज जी, बिना सेव के और बिना पापड़ के खिचड़ी कैसे जाएगी? कितना विवेक हम दो कौर मुख में रखते हैं, पर कितना विचार करते, कितना विवेक करके करते हैं कि किसके साथ क्या खाने से कैसा स्वाद बनता है। ऐसा कभी धर्म के साथ और जीवन के साथ हमने विवेक रखा कि किसके साथ हम कैसा बर्ताव करने से मेरा जीवन कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं आ रहा स्वाद जीवन में? क्यों नहीं जीवन हमारा स्मार्ट हो रहा है? किचन स्मार्ट हो गया माँ, स्मार्ट समझ रहे ना, सब स्मार्ट है हमारा, किचन भी, गाड़ी भी, मोबाइल भी, पर जीवन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जीवन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जितना विवेक भोजन बनाने में और जितना विवेक भोजन करने में रखते हो, जितना विवेक पैसे कमाने में रखते कि नहीं, कितना विवेक पैसे कमाने में और उतना ही विवेक पैसा खर्च करने में भी रखते हो, ऐसा जीवन प्राप्त करने में और जीवन बीत रहा है उसके बारे में कभी विवेक रखा, कभी मैनेज किया? नहीं किया, नहीं किया। 5-10 रुपए भी खर्च करने के पहले नीलेश जी कितना कितना विचार करते हैं। वह छोटा सा बालक साथ में है, छोटा सा बालक साथ में है, वो रो रहा है, उसे 2 रुपए का 5 रुपए का लॉलीपॉप चाहिए, पर युवराज दोगे क्या? 5 रुपए का लॉलीपॉप चाहिए, जेब में पैसे थे, पैसे नहीं थे ऐसे नहीं, पर नोट रीते 500 की थी, और लॉलीपॉप कितने का? लॉलीपॉप कितने का? 5 रुपए का। आप 500 की नोट बोलो ना, 500 की रो नोट माँ आप छोड़ के 5 रुपए का लॉलीपॉप खरीदोगे? देखोगे क्योंकि 500 की नोट बची है, बेटे को समझाएंगे बेटा फिर ले लेंगे, अभी पैसे नहीं हैं, जबकि पैसे 500 थे, तुम 100 लॉलीपॉप खरीद सकते थे, पर लेना एक था। तो कितना विवेक रखता है कि 500 की नोट अगर टूट जाएगी तो नहीं सोचते क्या? अरे पैसे आप खर्च करते हो, मुझे बताना पड़ रहा है, जबकि बेटे को भी रुठना नहीं था, उसको भी रुलाना नहीं था, पर कितना विवेक कि 500 की नोट अगर एक बार टूट जाएगी तो लंबा समय नहीं लगेगा पुनः उसे समाप्त होने में, इसलिए जितना जितना रोक सकते हैं उतना उसे रोकते हैं खर्च करने के लिए। कमाने के लिए तो दिन में 1-2 लाख कमा रहे हो, पर लाख लखपति भी वह 500 रुपए की नोट 5 रुपए के लिए कभी तोड़ता नहीं है। कभी ऐसे हमने सोचा कि हमारे इस 1 लाख रुपए का अनमोल, 1 लाख रुपए से भी महंगा ये मनुष्य पर्याय का और इस धर्म का जो बेशकीमती संयोग हमें मिला है उसको तो हम
यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही तोड़ देते हैं। जैसे वह 5 रुपए के पीछे 500 की नोट का आप विवेक रखते हो कि आज नहीं बेटा कल खिला दूंगा, कल नहीं बेटा परसों खिला दूंगा, 5 रुपए के पीछे 500 की नोट नहीं छोड़ते हैं। ऐसे 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 कभी विवेक अपने जीवन में भी तो रखा करो, धर्म में भी तो रखा करो। हम मात्र चंद कसाईक परिणामों के पीछे अपने धर्म को अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। कितनी कीमती मनुष्य पर्याय, कितनी कीमती ये देवशास्त्र गुरु का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का संयोग निमित्त मिलना, पर चंद कसाई परिणामों के पीछे, चंद राग द्वेष के पीछे हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। ये विवेक भूल जाते, ये विवेक भूल जाते हैं, फिर रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, फिर भुनभुनाते हैं हमारे साथ महाराज क्यों होता है, हम तो रोज़ पूजा करते, रोज़ अभिषेक करते, रोज़ पूजा अभिषेक तो कर रहे थे, पर ठेकेदार जी विवेक कितना था, विवेक कितना था हमारे पास उन क्रियाओं के साथ भी और हमारे भावों के साथ भी, नहीं था, नहीं था, नहीं था। यहाँ भगवान के ऊपर कलस्टोर हमने ढाल दिया और भगवान अभी स्थान पर विराजमान हुए नहीं, पर जाने की इतनी जल्दी थी कि भगवान उठाने के पहले ही हमने गंधोदक उठा के लगाया और ले भागे भगवान। अरे कम से कम भगवान की मर्यादा तो रखो, भगवान को विराजमान हो जाने दो। भगवान कहाँ भाग रहे और गंधोदक कहाँ भाग रहा है, पहुँच जाती महाराज महाराज मुझे 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 गंधोदक। विधिवत कार्य तो होने दो, उन क्रियाओं के पीछे हम कितने अपने भावों को बिगाड़ रहे हैं, ये भी तो विवेक रखो, ये भी तो विवेक रखो। विवेक, मात्र विवेक के अभाव में, मात्र विवेकहीनता के कारण वह हर जीव दुखी है, नहीं है ना दुखी है, मात्र विवेकहीनता। क्योंकि सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो ये विवेकहीनता है। जहाँ तुम विवेकहीन हो गए, जहाँ आपे से बाहर हो गए, जहाँ कसाय का उद्रेक आ गया, वहाँ तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म समाप्त, समाप्त। व्यापार में कितना विवेक रखते हो, कोई कितना भी कितना ही कैसा ही आकर दुकान में सुना के चला जाए, पर फिर भी मुस्कुराते ही है। ठीक है, मैं गुस्सा कर दूँ तो कल फिर नहीं आएगा। ऐसा कभी मंदिर में जब गुस्सा आता है माँ, तब विचार आया मैं गुस्सा करूँ तो वो चला जाएगा, वो नहीं, ग्राहक नहीं, मेरा पुण्य, मेरा धर्म, ये कभी विचार आया नहीं। वहाँ तो व्यापार में, दुकान में, घर में, गृहस्थी में, हर जगह कहीं ना कहीं से हम भले ही चुरा चुरा के विवेक प्रयोग करते हैं, पर ऐसा धर्म भी तो करो, ऐसा हमारे जीवन में भी तो करो। कितना मुस्कुराता है वो, कितना मुस्कुराता है, भीतर तो लग रहा था इसको तो बाहर मिलता ना तो, पर उसके सामने ऐसे मुस्कुराता है, ऐसे मुस्कुराता है, ऐसे मुस्कुराता है कि इसके जैसा कोई है ही नहीं। ऐसा ही कभी धर्म क्षेत्र में भी तो विचार करो। जब जब भाव बिगड़ते हैं, जब जब भाव बिगड़ते हैं, ठीक है निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे, पर प्रदीप जी भाव बिगड़ने के बाद भी हम भावों को संभाल तो सकते हैं ना। मात्र इतना मां निर्णय कर लो, मेरे भाव बिगड़ेंगे वो चला जाएगा, कौन वो, धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। क्योंकि आज जितने 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 विवेकहीन होकर व्यक्ति धर्मायतनों में लड़ते हैं, उतने विवेकहीन होकर कहीं अन्यत्र नहीं लड़ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन।